दोस्ती का खूबसूरत नजराना है आमों से भरी टोकरी, और जब किसी को आम मिलता है तो उसके मुंह से यही निकलता है। किंग ऑफ फ्रूट, मैंगो शेक, स्वीट आम रस। आम दुनिया में हर दिन सबसे ज्यादा खाने वाला फ्रूट है, और पता है दुनिया भर में प्रोड्यूस होने वाले आमों में आधे से ज्यादा इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। पर इंडिया में आमों की कितनी वैरायटीज है? दशहरी, कलमी आम, तोतापुरी, लंगड़ी आम, बैंगन पल्ली, दादी पचड़ी, अपोस आम, तोतापुरी आम, आई डोंट नो व्हाट आर द वैरायटीज। इंडिया में करीब 1000 से भी ज्यादा आम की वैरायटी है, लेकिन ये आम हर मौसम में अवेलेबल नहीं होता। बचपन से ही आम के सीजन के बिना ही आम का मजा हमें देती है ये मैंगो जूस ड्रिंक। पर क्या आप जानते हैं आम की फीलिंग से भरी ये मैंगो जूस आखिर बनती कैसे है? चलिए बता देते हैं। सबसे पहले इस खास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्रोडक्ट क्वालिटी को मैच करने के लिए पानी प्यूरिफाई होता है। यहाँ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और यूवी लाइट से पानी डिसइंफेक्ट किया जाता है, और हर घंटे 60,000 लीटर पानी प्यूरिफाई किया जाता है, और ये प्लांट 24 घंटे नॉन स्टॉप चलता है। अब बनता है शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर सिरप। 50 केजी शुगर को इस टैंक में डालते हैं, जहां इसे पानी के साथ बॉयल और मिक्स किया जाएगा। स्टेनलेस स्टील पाइपलाइन के थ्रू शुगर में प्यूरिफाई वाटर मिक्स करके शुगर सिरप तैयार किया जाता है, जिसके बाद इस शुगर सिरप को फिल्टर करके ठंडा किया जाता है। ऐसे एक ड्रम में 220 केजी आंध्र प्रदेश के तोतापुरी आम का पल्प है, जिन्हें खास ट्रीटमेंट के साथ थिक मैंगो पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्लांट में हर दिन 30 टन मैंगो पल्प प्रोसेस होता है। 12,000 लीटर कैपेसिटी वाले टैंक में शुगर सिरप और मैंगो पल्प को मिलाया जाता है। इसके बाद सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं, जिससे ड्रिंक को हल्की सी खटास मिलती है। होमोजेनाइजेशन और पास्चराइजेशन, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया हटाया जाता है। एक ऑटोमेटिक पास्चराइजर में 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव करके मिक्स को पास्चराइज किया जाता है। अब आपका मैंगो जूस बन गया है और बॉटल्स में भरने के लिए एकदम तैयार है। जिस बॉटल में ये जूस भरे जाते हैं वो भी इन हाउस तैयार होते हैं। प्लास्टिक ट्यूब को 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और एयर कंप्रेसर मशीन में हाई प्रेशर जनरेट करके बॉटल्स फुलाई जाती है, और ये ट्यूब ले लेती है बॉटल्स का शेप। और अब ये बेंट बोतल भेजी जाती है एक फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन में, जिसमें लगे होते हैं एयर फिल्टर्स, जिनसे पास होकर हवा इन बोतल्स की हाइजीन मेंटेन करती है। फिर बोतल्स को धोया जाता है। बिना इंसानी हाथ लगे अब इन धुली वेट बोतल्स में मैंगो जूस भरा जाएगा, और ये काम करती है हाई स्पीड फिलिंग मशीन्स। बॉटल्स भरने के बाद इस ऑटोमेटेड कैपिंग मशीन में बॉटल की कैप लग रही है। ये पूरा प्रोसेस एक कंट्रोल एनवायरनमेंट कंडीशन में किया जाता है, क्योंकि ये मैंगो जूस हाई टेम्परेचर पर पास्चराइज किया जाता है, इसको कूलिंग टनल से गुजरना पड़ता है। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद बॉटल स्लुइंग मशीन के नीचे से गुजरती है। बॉटल श्रिंक टनल से पास की जाती है, ताकि लेबल श्रिंक होकर बॉटल पर फिट हो जाए। फिर बॉटल्स को प्रॉपर कैपिंग, लेबलिंग और कंटेंट को इंस्पेक्ट किया जाता है। अब इस ऑटोमेटेड मशीन में बॉटल्स की फाइनल पैकेजिंग होती है। एक कार्टून में 24 बॉटल्स पैक की जाती है। यहाँ 600 ml की बॉटल्स पैक हो रही है, और ऐसे करीब 10 कार्टून की बोतल को एक के ऊपर एक रखा जाए तो ये ताजमहल की एक मीनार की जितनी लंबी हो जाएगी। बोतल्स के अलावा ये टेट्रा पैक और समोसा पैक में भी अवेलेबल होता है।
खास मैंगो पल्प से बनी ये ड्रिंक आम का अच्छा सब्स्टिट्यूट तो है ही, साथ ही मीठी प्यास बुझाने का अच्छा सोर्स भी है।